गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपने आहार का या अपने डाइट का काफ़ी ख्याल रखना होता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि महिलाओं को दो लोगों के बराबर खाना होता है। दो लोगों के बराबर खाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस सामान्य से थोड़ा ज़्यादा प्लस 300 किलो कैलोरीज ही उनको खानी होती हैं। जो पहले 3 महीने होते हैं गर्भावस्था के, उसमें सामान्य तौर पे कई बार महिलाओं को उल्टी की परेशानी होती है, भूख कम लगती है, उल्टी जैसा लगता रहता है। तो ऐसे में तो महिलाएं जो सामान्य रूप से जो अपना खाना खाती हैं वही नहीं खा पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनको यही सलाह देते हैं कि पहले 3 महीने में आपको अपना आहार बहुत अत्यधिक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पहले जितना खा रहे हैं उतना ही यदि आप खा पाएँ सामान्य रूप से तो वही काफ़ी रहता है। और जो उस समय हमारी सलाह मुख्यतः ये रहती है कि जो उनको खाते बने वो उनको खाना है। और एक नॉर्मल तरीके से जैसे सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना महिलाएं खाती हैं, उस तरीके से उनको ज़्यादा खाते बनता है। एक बार में वो बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्लो हो जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छे से खाना पचता नहीं है, कब्जियत की भी परेशानी होती है। इसलिए हमारी महिलाओं को सलाह रहती है कि थोड़ा थोड़ा खाना कई बार में खाएं। फल खाने आवश्यक होते हैं। फल और सलाद, ये सब चीज़ों में फाइबर होता है। फाइबर होने से कब्जियत की परेशानी भी नहीं रहती है, पाचन भी सही रहता है। फलों का जूस ना लें, उसके बनिस्बत पूरा पूरा फल खाने की कोशिश करें। उससे फाइबर जाएंगे, उससे ये सब पाचन जो है आपका सही रहेगा। सभी तरह के फल खा सकते हैं। फलों में मौसमी फल, लोकल फल जो आपके जगह पे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर के फल या गैर मौसमी फल या महंगे फल खाने बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जो आपके यहाँ लोकल में अवेलेबल फल हैं, जो वहाँ आपको मौसमी फल मिलते हैं, उनका सेवन ज़रूर करें। और ये नियम बना लें कि पूरी गर्भावस्था में कम से कम एक फल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और ये फलों का सेवन बीच के समय में किया जा सकता है, जैसे सुबह नाश्ता के, दोपहर खाना के बीच में फल खा लिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी खाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स का भी बहुत अत्यधिक मात्रा में सेवन नहीं करना होता है। एक मुट्ठी में जितने आपके ड्राई फ्रूट्स आ जाए उतने मिक्स ड्राई फ्रूट्स का सेवन किया जा सकता है। जैसे अखरोट हो गए, बादाम हो गया, अंजीर हो गए, मखाने हो गए, खजूर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। इनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बच्चे के दिमाग के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। DHA वगैरह होता है, कुछ विटामिन्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं जो कि अच्छे माने जाते हैं। सामान्य खाने में महिलाओं के लिए दाल बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था के आहार में दाल की बहुत ही महत्ता है क्योंकि ये एक प्रोटीन का एक बहुत ही ज़रूरी सोर्स है। 2 कटोरी दाल कम से कम महिलाओं को हर दिन लेनी चाहिए। और दालें भी जो छिक्कल वाली दाल होती है वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें विटामिन B12 और अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। और मिक्स्ड दाल अगर खाएं तो और अच्छा रहेगा। जैसे एक मुट्ठी आपने मूंग ले ली, एक मुट्ठी मसूर ले ली, एक मुट्ठी अरहर ले ली, इस तरीके से मिक्स करके दालों को खाया जा सकता है। या बदल बदल के दाल खाएँ तो वो भी अच्छा रहता है। इसके अलावा जो लोग मांसाहार करते हैं तो अंडा, मांस, मच्छी, ये सारी चीज़ें भी जो हैं इनमें भी प्रोटीन की मात्रा रहती है। इसके अलावा सोया बढ़िया में भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहती है। तो ये सब चीज़ों का सेवन अच्छे से करना चाहिए। सब्जियों में जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें आयरन की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और इसके अलावा वो भी फाइबर्स को प्रदान करते हैं, विटामिन और मिनरल्स को प्रदान करते हैं। तो सब्जियों की मात्रा अच्छी रखनी चाहिए। हरी सब्जियां अपने डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। और अगर अंडा खाते हैं तो 2 अंडे रोज़ खाने की हम सलाह देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दही ज़रूर लेना चाहिए। दही आपके पाचन को भी बढ़ाता है, कब्जियत को दूर करता है, पेट फूलने से रोकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका बच्चा स्वस्थ हो।